गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? सुबह का 6:30 हो रहा है और मैं आपके साथ। आज से मैंने एक नया चीज़ स्टार्ट किया है। मैं अब मेरा डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल 6:30 हो रही है, मैं उठ चुकी हूँ, जा रही हूँ कचरा फेंकने। मेरा पहला काम घर का स्वच्छ भारत। हमें कचरा घर पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आती है आपके घर में। सो इट्स बेटर कि आप इसे घर के बाहर रखें। अब मैं चली अपना पहला चीज़ जो मैं अपने आप अब खुद के लिए करती हूँ। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के ये जो ग्रीन जूस आप देख रहे हो, मैं एक हफ्ते के लिए स्टोर करके रखती हूँ और उसके बाद एक हफ्ते बाद जब ख़त्म होती है तो मैं फिर फ्रेश बनाती हूँ। उसमें मैंने डाला पानी, साथ ही साथ जाएगा कोलेजन। अब आप सोच रहे हो कोलेजन क्यों लिया जाता है। कोलेजन एक टाइम से जब हम 30 क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें अपनी बॉडी अपने स्किन के लिए ये कोलेजन बहुत ज़रूरी है। कोलेजन हमारे स्किन को यंग लुक देता है, इससे हम अच्छे लगते हैं। अब क्या बताऊँ, आप कुछ सर्च कर सकते हो। अब मैं चली, किसी और दिन बताऊंगी इसके बारे में। पापा के लिए चाय बनाने अदरक मैंने कूट लिया है। बिना अदरक का चाय ना मुझे पसंद है ना मेरे घर में किसी को पसंद है। तो पहला जो मेरा किचन में स्टार्ट हो रहा है वो पापा का चाय। पापा ब्लैक टी लेते हैं और ब्लैक टी के साथ साथ पापा को 3 से 4 बिस्किट चाहिए क्योंकि पापा थोड़ा बीमार हैं। तो इस वजह से उनको अर्ली मॉर्निंग गैस की मेडिसिन लेना पड़ता है। तो डॉक्टर ने प्रेफर किया है कि उन्हें अर्ली मॉर्निंग चाय के साथ बिस्किट लेना है। फ़िलहाल मैं दार्जिलिंग में नहीं, मैं सिलीगुड़ी में हूँ। यहाँ मैं पापा के साथ रहती हूँ। मैं और पापा, बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड भी नहीं हैं। ये लोग वीक में सैटरडे संडे ये लोग मेरे पास आते हैं। लीजिए, आपसे बात करते करते पापा का चाय रेडी है, आते हैं तब उसी टाइम में हम लोग मिलते हैं, अदरवाइज नहीं। पापा बेड पे नहीं है, पापा बाथरूम में हैं। सो मैं चली छत पे। तो जिम तो मैं नहीं जा रही हूँ फिलहाल, तो खुद को मेंटेन मुझे रखना है क्योंकि मैं हमेशा, मेरा ये जो चैनल है इसमें मैं हमेशा फ़िटनेस के बारे में बात करती हूँ, फ़िटनेस के बारे में एक्सरसाइज बताती हूँ। अब यहाँ मैं पापा को छोड़ के क्योंकि जिम नहीं जा सकती है तो मैं जो जानती हूँ, जितना मैंने सीखा है वो सब कुछ करती हूँ। और फिटनेस रहने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको जिम ही जाना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पैशन है, आपके लिए जज्बा है तो डेफिनेटली आप उसके लिए कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लोगे। फिलहाल मेरे पास भी कुछ नहीं है तो मैं जो ये सब आप देख रहे हो ये सभी करके मैं खुद को फिट रखती हूँ। और खाना भी अच्छा से खाना है, खुद पे ध्यान भी देना है। और जब आप खुद के लिए जब सोचते हो, जब खुद के लिए कुछ करते हो तो आपका मॉर्निंग अच्छा ही होता है। फ़िलहाल मेरे पास तो कोई चीज़ें नहीं हैं सिवाय वो बैंड के, और जो मैं अपना बॉडी वेट्स के साथ जो एक्सरसाइज कर सकती हूँ मैं वही करती हूँ। इसे आप अगर डेली रूटीन में, डेली बेसिक में आप ये एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो ये ओवरऑल बॉडी के लिए वेरी बेनिफिट है। एंड आपको इसमें उतना कोई टेंशन भी नहीं है, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लग सकता है। आप जितना कर सकते हो, शायद नया जब आप शुरू करोगे तो 4 से 5 बार करोगे, उसके बाद 3 सेट 4 सेट में 4 से 5 करके खुद को ही प्रेशर देना पड़ता है। हमारे जो माइंड है ना वो हमें कंट्रोल करता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब हम अपने माइंड को जिस तरीके से रखते हैं उसी तरीके से हमारा बॉडी हमें रिजल्ट देता है। ये देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है, एक ये रजिस्टर्ड बैंड के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। और आप देख सकते हो योगा मैट है, इसके जगह आप चाहे तो कपड़ा या दुपट्टा भी बांध करके ये चीज़ कर सकते हो। ये बैक के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है। और मैंने बोला ना, मैं ओवरऑल बॉडी पे वर्कआउट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ।
क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, आपको आपको कुछ तरीके का थकान या कुछ तरीके का स्ट्रेस आप नहीं फील करते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने बॉडी को सबसे बेस्ट वाइब्स दे के रखा है अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट। इसीलिए आज का ब्लॉग और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।